दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सर। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करने की अपील। वहीं लोकतंत्र बचाने के लिए खत्म की जाए ईवीएम मशीन से वोटिंग, हाईकोर्ट में बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए दायर हुई याचिका। वहीं पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर राहुल गांधी का बड़ा एक्शन, बोले जो डरते हैं उन्हें तुरंत पार्टी से निकाल दो। वहीं पंजाब कांग्रेस के मैच में बोल्ड होंगे नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन के बड़े खिलाड़ी मनीष तिवारी का हाईकमान को इशारा। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, बोले मुख्यमंत्री योगी बन चुके हैं ओवैसी के मजनू, बार बार करते हैं लैला को याद। वहीं पंजाब के चुनावी समीकरण को बदलने की कोशिश में अकाली दल, दलितों को लुभाने की कोशिश। वहीं पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस ने निकाली बिना परमिशन के साइकिल रैली। वहीं कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि सोमवार तक रद्द कर दें यात्रा, नहीं तो हमें देना पड़ेगा आदेश। वहीं जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, बोले सपा और बसपा को जनता ने नकार दिया, योगी आदित्यनाथ ने बदली यूपी की तस्वीर। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले का विवादित बयान, बोले शरद पवार के हाथ में है उद्धव सरकार का रिमोट कंट्रोल। वहीं बकरी ईद से पहले कश्मीर में प्रशासन का बड़ा फैसला, इन पशुओं की कुर्बानी पर लगी रोक। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करने की अपील। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पीएम मोदी से पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सीमा पार से बढ़ते आतंकी खतरों के बीच प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व करने का भी प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि इस बीच किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन को और तेज करने की रणनीति तैयार की है। संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में किसान सरकार को संसद के भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर घेरेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर 22 जुलाई से संसद के बाहर प्रस्तावित प्रदर्शन में 22 राज्यों के किसान हिस्सा लेंगे। 40 किसान संघों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि संसद के मानसून सत्र के दौरान हर दिन लगभग 200 किसान संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। नेताओं ने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि फिलहाल किसानों ने ऐलान कर दिया है कि संसद का घेराव किया जाएगा और संसद के बाहर तगड़ा प्रदर्शन होगा। यदि सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है तो ये आंदोलन और तेज होगा। आपका क्या मानना है? आप भी यदि किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, लोकतंत्र बचाने के लिए खत्म की जाए ईवीएम मशीन से वोटिंग, हाईकोर्ट में बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए दायर हुई याचिका। यहाँ आपको बता दें कि चुनाव के बाद अक्सर ईवीएम मशीन को लेकर शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। इसके बाद हारने वाली पार्टियां बैलेट पेपर से चुनाव कराने की दुहाई देने लगती हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देते हुए आने वाले सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की गई है। वकील CR जया सुकिन ने यह याचिका दायर की है। जया सुकिन का कहना है कि भारत में लोकतंत्र को बचाना है तो आने वाले सभी चुनावों में हमें ईवीएम मशीन को हटाकर एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के कई देश हैं, जैसे मसलन इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड और अमेरिका ने भी ईवीएम मशीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की डिवीजन बेंच ने 3 अगस्त तक के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि भारतीय संविधान की धारा 324 कहती है कि चुनाव आयोग द्वारा कराए जाने वाला चुनाव साफ और सुथरा होना चाहिए, साथ ही इसमें वोटर्स की सहमति की झलक मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि पूरे भारत में ईवीएम मशीन को रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए। उनके मुताबिक किसी भी देश में मत पत्र यानी कि बैलेट पेपर से चुनाव ज्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी प्रक्रिया है। वकील ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि तमाम विकसित देशों जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी और अन्य ने चुनाव में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, इसकी जगह पर यहां पर मतपत्रों से चुनाव कराए जा रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि ईवीएम मशीन चुनाव कराने के लिए संतोषजनक उपकरण नहीं है, इसे हैक किया जा सकता है, लेकिन बैलेट पेपर पूरे तरीके से सुरक्षित है। आपको बता दें कि यदि आप भी चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और ईवीएम मशीन को हटा दिया जाए तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर राहुल गांधी का बड़ा एक्शन, बोले जो डरते हैं उन्हें तुरंत पार्टी से निकाल दो। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन नेताओं पर निशाना साधा जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो डरते हैं वे पार्टी छोड़कर तुरंत चले जाएं। हमें डरपोक नहीं बल्कि निडर नेताओं की जरूरत है। जो डरते हैं उन्हें पार्टी से निकालो। राहुल गांधी सोशल मीडिया से जुड़े पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो डरते हैं और जाना चाहते हैं वे तुरंत चले जाएं। हमें निडर लोगों की जरूरत है। राहुल गांधी का इशारा कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नेताओं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद की ओर था। राहुल वर्चुअल बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें भाजपा के फेक न्यूज से डरने की जरूरत नहीं है। जो डरते हैं उन्हें पार्टी से तुरंत निकाल दो। और बहुत से निडर लोग भी हैं जो कांग्रेस में नहीं है, उन्हें अंदर लाया जाना चाहिए। हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है जो आरएसएस की विचारधारा में विश्वास करते हैं। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के समय से ही कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में जगह भी मिल गई है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसे नेताओं को दोटू कहा कि जिन नेताओं को कांग्रेस छोड़नी है वो तुरंत छोड़कर चले जाएं। हमें निडर लोगों की जरूरत है, डरपोक की हमें जरूरत नहीं है। और ये बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस के मैच में बोल्ड होंगे नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर के बड़े खिलाड़ी मनीष तिवारी का हाईकमान को इशारा। ये आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में मची रार के बीच पार्टी नेता मनीष तिवारी ने भी दाव खेल दिया है। पंजाब की आबादी में सिख, हिंदू और दलितों की हिस्सेदारी बताते हुए मनीष तिवारी के ट्वीट को लेकर भी अटकलें लगने लगी हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर के खिलाड़ी कहे जाने वाले तिवारी ने एक तरफ सिद्धू का विकेट गिराने की कोशिश की है तो वहीं अपने पक्ष में हाईकमान को इशारा भी कर दिया है। आपको बता दें कि ट्वीट में मनीष तिवारी ने कहा कि पंजाब की आबादी 57.75% सिख है तो वहीं 38.49% हिंदू और 31.94% हिस्सेदारी दलितों यानी सिख और हिंदू की है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब प्रगतिशील और सेक्युलर है, सामाजिक हित समूहों को संतुलित करना अहम है। आपको बता दें कि पार्टी के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि ट्वीट के जरिए मनीष तिवारी ने कांग्रेस नेतृत्व को यह बताने की कोशिश की है कि पंजाब में पार्टी के लिए बैलेंस बनाना अहम है। जहां पर 2022 की शुरुआत में चुनाव होना है, तिवारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और पंजाब के आनंदपुर साहिब से सांसद हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह तिवारी को पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के पक्ष में हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ये ट्वीट ऐसे समय पर आया है जब नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। पंजाब कांग्रेस में दरार के बीच नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के संकेत दिए जा रहे हैं। सिद्धू ने गुरुवार को अमरिंदर के मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर भी बैठक की थी। कैप्टन ने भी अपने करीबियों के साथ रणनीति बताई। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक उन्होंने सोनिया गांधी से भी बात की है और सिद्धू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब का मसला सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का योगी आदित्यनाथ पर तगड़ा हमला, बोले मुख्यमंत्री योगी बन चुके हैं ओवैसी के मजनू, बार बार करते हैं लैला को याद। ये आपको बता दें कि AIIMIM के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर यूपी दौरे पर हैं। गुरुवार को वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर टीवी इंटरव्यू में ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और अपनी लैला को याद करते हैं। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति को महिलाओं के खिलाफ बताया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कितने बच्चे होंगे ये देश की महिलाएं तय करेंगी। उन्होंने दावा किया कि इस कानून से सबसे अधिक नुकसान महिलाओं का होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने को लेकर शोर मचा रही है लेकिन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि AIIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी ओवैसी के मजनू बन गए हैं और बार बार वो अपनी लैला असदुद्दीन ओवैसी को याद करते हैं। और ये बड़ी खबर, पंजाब के चुनावी समीकरण को बदलने की कोशिश में अकाली दल, दलितों को लुभाने की कोशिश। ये आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के भीतर चल रही कलह और अकाली दल के बसपा के साथ गठबंधन किए जाने से राज्य के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। इसको लेकर हालांकि अभी कोई दावा करना जल्दबाजी होगी लेकिन श्रोमणी अकाली दल हालात को अपने अनुकूल मान रहा है। पार्टी का दावा है कि राज्य में चुनावी परिस्थितियां उसके अनुकूल बन रही हैं और मुख्य टक्कर उसके और आम आदमी पार्टी में होगी। चुनावी वायदे पूरे नहीं होने को
लेकर कांग्रेस सरकार के प्रति मतदाताओं में स्वाभाविक नाराजगी है। पिछले साल चुनाव में ऐसी ही नाराजगी अकाली दल के खिलाफ भी थी, लेकिन सत्ता से बाहर होने के कारण ये नाराजगी अब नहीं है। उसने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार से अलग होकर अकाली दल ने किसानों के साथ खड़ा होने की भी कोशिश की। आपको बता दें कि भाजपा से अलग होकर अकाली दल ने बसपा से गठबंधन कर लिया है। हालांकि बसपा को राज्य में ज्यादा मत नहीं मिलते हैं, लेकिन अकाली दल के वरिष्ठ नेता नरेश गुजराल कहते हैं कि बसपा के साथ गठबंधन 1996 के लोकसभा चुनावों की भांति असरदार होगा। तब दोनों दलों ने मिलकर लोकसभा की 11 सीटें जीती थी। गुजराल के अनुसार पंजाब की 32% दलित आबादी है, और जब उसे महसूस होगा कि ये गठबंधन जीतने की ओर अग्रसर है तो वोट करेगा। अभी तक बसपा अकेले लड़ती रही है, इसलिए दलित वोट उसे नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर स्पष्ट महसूस होता है कि उसकी सरकार बनने की संभावना नहीं है। लोग अपने वोट को बेकार नहीं डालना चाहते। आपको बता दें कि अकाली दल ने इसी तबके को लुभाते हुए दलित उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला भी तैयार किया है। हिंदू आबादी के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उसने 2 उप मुख्यमंत्री, 1 हिंदू एवं 1 दलित बनाने का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि भाजपा दलित मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन जमीन पर भाजपा कहीं नहीं है। और ये बड़ी खबर, पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस ने निकाली बिना परमिशन के साइकिल रैली। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए अपनी अपनी साइकिलों पर सवार होकर निकले और दिल्ली भर में साइकिल मार्च निकाला। निजामुद्दीन औलिया से शुरू हुई रैली मात्र 100 मीटर ही आगे बढ़ पाई, जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी के साथ प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और सह प्रभारी इमरान मसूद इत्यादि को भी गिरफ्तार कर लिया। साइकिल रैली को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू किया जाना था और खान मार्केट ताज मान से होते हुए मार्ग चलना था। आपको बता दें कि लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें बीच रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी कहते हैं कि पिछले 50 दिनों में पेट्रोल के दामों में लगभग 38 रुपए बढ़े हैं। मैं साइकिल से अपने कार्यालय जा रहा हूं, लेकिन पुलिस द्वारा इजाजत नहीं है। मुझे अपने देश की सड़कों पर चलने के लिए भी इजाजत नहीं दी जा रही। दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभिषेक दत्त कहते हैं कि जब पूरे देश में कच्चे तेल की कीमत कम है तो हमारे देश में ये हाल क्यों है। स्मृति ईरानी पहले चूड़ी और सिलेंडर लेकर घूमती थी और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करती थी, आज ये सभी लोग कहाँ हैं। 70 साल की कांग्रेस की मेहनत को बर्बाद किया जा रहा है। अच्छे दिन कब आएंगे मोदी जी, हमें पुराने दिन ही वापस लौटा दीजिए। हमारे संविधान में साइकिल चलाने के लिए परमिशन नहीं ली जाती। और ये बड़ी खबर, कावड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया अल्टीमेटम, बोले सोमवार तक रद्द करने का फैसला लें नहीं तो हमें देना पड़ेगा आदेश। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा को मंजूरी दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक भावनाएं जीवन के अधिकार से बड़ी नहीं है। इस यात्रा के आयोजन से देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए राज्य सरकार खुद ही इस पर विचार कर निर्णय ले। कोर्ट ने सुनवाई सोमवार 19 जुलाई के लिए टालते हुए ये भी है कि अगर राज्य सही निर्णय नहीं ले पाता है तो वो खुद आदेश जारी करेगा। आपको बता दें कि 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन नरीमन और बीआर गवई की बेंच ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा था कि उत्तराखंड ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यात्रा रद्द कर दी है, लेकिन यूपी ने ऐसा नहीं किया है। राज्य सरकारों का ये रवैया लोगों को भ्रमित करने वाला है। कोर्ट ने मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि चूंकि 25 जुलाई से शुरू होनी है, इसलिए इस मसले पर जल्द सुनवाई जरूरी है। आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की चिंता से सहमति जताते हुए कहा कि इस यात्रा को सांकेतिक रूप से चलाना बेहतर होगा। केंद्र के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ियों का अपने इलाके के मंदिर तक आना कोरोना के लिहाज से उचित नहीं होगा। बेहतर हो कि टैंकर के जरिए गंगा जल जगह जगह उपलब्ध करवाया जाए। हालांकि इस बारे में फैसला राज्य सरकार को ही लेना होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथ ने कोर्ट को बताया कि इस यात्रा से जुड़ी लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए इसे मंजूरी दी गई है, लेकिन इसे लेकर कड़ी सावधानी बरती जाएगी। आपको बता दें कि सीमित संख्या में ही कांवड़ यात्रियों को अनुमति मिलेगी। नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट और दोहरे वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र के आधार पर ही किसी को यात्रा में शामिल होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि लेकिन हाई कोर्ट ने वरिष्ठ वकील की नहीं सुनी और सीधा दे दिया, या तो आप सोमवार तक इस यात्रा को रद्द करें, नहीं तो कोर्ट को ही आदेश देना पड़ेगा।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता नाना पटोले का विवादित बयान, बोले शरद पवार के हाथों में है उद्धव सरकार का रिमोट कंट्रोल। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बार फिर विवादित बयान दे डाला। पटोले ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार का रिमोट कंट्रोल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के हाथों में है। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा तो पटोले ने पवार की तारीफों के पुल बांध दिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले की बयानबाजी से बढ़के शरद पवार को मनाने गए कांग्रेस नेताओं की बैठक को कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि नाना पटोले ने विवादों का एक और तीर चला दिया। पटोले ने गुरुवार को आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथों में है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने साल 2014 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए एनसीपी पर धोखा देने का भी आरोप लगाया। पटोले ने महाराष्ट्र में कांग्रेस की ताकत बढ़ने का दावा किया और अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की भी बात कह डाली। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो और कृषि कानूनों का तुरंत समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।